तो भाई ये आ चुका है समोसा डोसा। और देखो फेंसिंग भी देखो भाई, त्रिशूल से यहाँ पे भाई सामने यार पर्वत देखो माउंटेन। सेना इज हियर, और हमेशा वानर सेना नुकसान करती है। लाइटिंग वाइटिंग तो है और सर में लगने का डर भी है यहाँ पे भाई। जमीन अमीन का तो अता पता नहीं, आसमान में जरूर आ गए हैं। और वो सामने टेंपल दिख रहा है देखो, वाइट वाइट यहाँ पे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सो गए थे और काफी ज्यादा लेट हो चुका है। और अभी जाना है भाई चोरागढ़, और बी फॉल भी जाएंगे, तो चलते हैं अभी थोड़ी देर से। अभी जल्दी से नहाते धोते हैं, फ्रेश अनअप होते हैं और नाश्ता करके सीधे चोरागढ़ की चढ़ाई चढ़ते हैं, क्योंकि भाई इसमें ही बहुत टाइम लगने वाला। और सुबह सुबह निकलना था वैसे तो, लेकिन काफी लेट हो चुका है। फिर कोई बात नहीं, अभी अपन कंप्लीट कर लेंगे उसको जल्दी से। तो सबसे पहले अभी तैयार होते हैं, नहाते धोते हैं और जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। और भाई बहुत थकान होने वाली है चोरागढ़ चढ़ने में, तो मिलता हूँ मैं आपको रेडी होके गाइस, तब तक के लिए वेट करें। सो गाइस अभी जस्ट तैयार होके निकले हैं, नहा धो के तैयार हो गए, अभी जा रहे हैं अपन मार्केट। अभिषेक को लेना कार्ड, सब पैकिंग वैकिंग करके हम जा रहे हैं नीचे काउंटर पर रख देंगे रिसेप्शन पे, मतलब होटल के, ताकि हमें वापस से चेक इन ना करना पड़े और सामान भी यहीं सेफ रहेगा। तो अभी चलते हैं सीधे बाहर। तो अभी जैकेट वैकेट सब मैंने बैग में पैक कर दिए और फिर निकलते हैं, तो यहीं रख देंगे और जब लौटेंगे घर के लिए तब पहनेंगे। अब तो मिलते हैं गाइस नीचे। गाइस हियर वी आर, और निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, पहले मार्केट चलना है और मार्केट में इसका काम करके नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर चलते हैं चोरागढ़। तो अभी चलते हैं नाश्ता करने। और तो गाइस मार्केट यहाँ से राइट टर्न लेना है अपन को, तो अभी तो भाई सर्च कर रहे हैं, पूछ पूछ के जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता नहीं है कि मार्केट कैसा क्या है यहाँ पे। A few inches later. So guys, अभिषेक ने ले लिया शैंडिक्स अल्ट्रा 64 GB, तो इससे ऊपर भी नहीं है, नहीं तो 128 या 256 भी लेते, लेकिन कोई ना अभी ऐसे ही काम चलाएंगे क्योंकि इसके पास स्टोरेज नहीं थी। और अभी चलते हैं पहले नाश्ता करते हैं, इसके बाद दिमाग काम करेगा, नाश्ता नहीं करेंगे तो दिमाग काम नहीं करता है। तो अभी चलते हैं नाश्ता वास्ता करते हैं कहीं बैठ के, और फिर पूछते हैं किसी से कैसा क्या जाना होगा। तो गाइस नाश्ते की दुकान खोज रहे हैं हम, गाइस साउथ आए हैं हम साउथ। तो गाइस इडली डोसा खाएंगे हम, तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है अभी। तो गाइस अभी आए हैं नाश्ता करने, तो मैंने दो आलू पराठे ऑर्डर किए हैं और अभिषेक खा रहा है प्लेन डोसा। तो अभी इधर बैठे हैं हम साउथ इंडियन कॉफ़ी हाउस रेस्टोरेंट चाचा चटोरे, तो ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के भाई करते हैं अभी। तो अभी देख रहे हैं यार, हम डिसाइड करते हैं कैसा जाना होगा, क्योंकि 11:30 तो ऑलमोस्ट बज चुके हैं, तो करते हैं डिसाइड। तो गाइस ये आ चुका है समोसा डोसा लाइक समोसा त्रिकोण एलुमिनाटी सब बोल दो भाई। पराठा तो अभी बनने में टाइम लगेगा, तो वेट कर रहा हूँ भाई मैं तो, लेकिन पराठे खाऊंगा। नहीं मेरा पराठा आ गया गाइस, वो देखो वो। तो गाइस ये बड़ा समोसा, ये छोटा समोसा समोसा पराठा, समोसा आलू पराठा ये अपना है। एक और तैयार हो रहा है गाइस उधर पे, तो जल्दी से इसको खाते हैं और चलते हैं आगे। तो गाइस वी आर डन, और अभी निकल रहे हैं, पहले चोरागढ़ निकलते हैं। तो गाइस झील देखो यार ये वाली, इसमें देखो पूरा क्या तो लगा हुआ है, वो इधर पे पानी है, इधर पे पानी दिख ही नहीं रहा है, जबकि पूरा पानी है ऊपर और इसके ऊपर कुछ जम रहा है काई टाइप में कुछ। तो गाइस घूम घूम के परेशान, और 12 किलोमीटर चोरागढ़ दिख रहा है, ऐसी कुछ रोड है यार भाई। अभी देखना अभी, अरे यार धुआं वुआ आ रहा ना तो आपको दिखेगा नहीं, ब्लरी ब्लरी सा दिखेगा। और बहुत तो सही रोड दिखा, अभी देखो सही पहाड़ दिखने वाला है इधर, देखो कितना भयंकर टर्न है और दिखता नहीं है यहाँ से कि कौन क्या आ रहा है जा रहा है, और एक भी जिप्सी वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही है यार आज तो। भाई सामने यार पर्वत देखो माउंटेन, और ये रोड देखो भाई क्या तो ऊपर जा रही है, और इधर से तो भाई जहर काम है गाइस, बहुत ही भयंकर यार, क्या तो भाई दिख रहा है सामने गाइस, क्या ही तो नज़ारे हैं यार इधर पे। ग्रीन वैली यहाँ से देख सकते हो आप, और क्या तो पहाड़ है भाई साहब, बाजू में तो भाई खाई खाई कितनी तो डीप है यार। ये देखो भाई ये वाला पहाड़, हाँ गाड़ी रोक नहीं सकता भाई, 4x4 ही चलती है यहाँ पे तो। ओह भाई क्या तो यार व्यू, क्या ही व्यू है यार, ये क्या ही व्यू है भाई साहब, बहुत ही सटीक है भाई बहुत। तो वहाँ जाना है चोरागढ़, वो है भाई
मज़ा आ जाएगा भाई आज तो ट्रैक पे भी। तो गाइस महादेव तो आ चुके हैं अपन, और अभी पार्क करते हैं कहीं बाइक, और पूरी दुकानें बंद है भाई यहाँ तो। दर्शन करते हैं और फिर इधर से जाना है अपन को लेफ्ट से, तो मिलता हूँ कैमरे के बाहर। तो गाइस वानर सेना इज़ हियर, और हमेशा वानर सेना नुकसान करती है, लेकिन ये वानर सेना रही इसने, ये सेना ने नुकसान कर लिया खुद का। कोई नहीं, तो यहाँ पे शूर है, शूर पे शूज उतारते हैं और चलते हैं आगे, और मैं दिखाता हूँ आगे। वैसे तो लाइट उतना प्रॉपर अंदर शो नहीं होगा, लेकिन जितना दिखेगा आपको गाइस पूरा दिखाता हूँ मैं हमें अंदर चल के। ओके गाइस, तो शूज़ वगैरह उतारते हैं, और ये हेलमेट का तो सीन कुछ उल्टा ही हो गया यार, कि वहाँ पे कहीं रख नहीं सकते अपन लोग इनको सेफली, तो इनको लेके ही जाना पड़ेगा, तो देखते हैं अभी। तो शूज़ रख दिए अपन ने गाइस वहाँ रेक पे, और ऐसा कुछ है यहाँ का व्यू देख लीजिए, साइड में क्या मस्त जड़ वड़ दिख रही है पेड़ों की, और सामने हमारे महादेव, और ऊपर है दूसरे महादेव, और उससे ऊपर भी है बहुत से महादेव। तो अभी चलते हैं आगे और बताता हूँ आपको। वैसे वहाँ पे लाइटिंग वगैरह प्रॉपर दिखेगी नहीं आपको, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना गाइस इसमें, आप खुद आ जाना देखने। ओके, तो मिलता हूँ मैं आगे आपको। तो भाई ऐसा कुछ है, पहाड़ के अंदर मंदिर है, और यहाँ से चलेंगे, और भाई सनलाइट क्या मस्त आ रही है ना इधर पेड़ के बीच में से, और उधर भी ऊपर चलेंगे अभी, आपको कैमरे में शो नहीं हो रहा होगा, और उधर से भी है कुछ, तो आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराते हैं अभी अपन। और काफ़ी ज़्यादा भाई टेम्परेचर डाउन लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि पत्थर में से पानी वानी रिश्ता रहता है, देखो यहाँ से आपको नमी बरकरार दिख रही होगी, और चलते हैं अंदर। तो गाइस पहाड़ के अंदर एंट्रेंस कर रहे हैं अपन, और थोड़ी सी लाइट की कमी महसूस हो रही है, और भाई फर्श तो क्या ही बर्फ हो रहा है यार भाई, बहुत ज़्यादा। ये देखिए वाला पानी यहाँ पे, प्योर वाटर गाइस, ये रिस रहा है ना जो, तो प्योर वाटर है यार, देखो ये हर जगह से रिस रहा है पानी, और यहाँ पे भी इकट्ठा हो रहा है गाइस, कुंड है ये पे, लाइटिंग तो है, और सर में लगने का डर भी है यहाँ पे, तो मस्त बना है यार पहाड़ काट के। ये रहे हमारे महादेव जी। तो भाई ऐसा कुछ है यार, और इस साइड तो ज़्यादा ही झुका हुआ है पहाड़, तो ऐसे थे महादेव के दर्शन अपने, और पंडित जी ने मना कर दिया था कैमरा ऑफ करो, तो कैमरा ऑफ करना पड़ा वहाँ पे हमें। चलते हैं बाहर, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं। यहाँ से तो दर्शन हो चुके हैं, और अभी जाना है हमको चौरागढ़, तो अभी आगे जाके देखते क्या व्यवस्था है, मतलब हेलमेट रख सकते हैं नहीं तो हेलमेट को कैरी करके चलना पड़ेगा, और बढ़िया दर्शन हो गए गाइस यहाँ पे भी। और अंदर तो टेम्परेचर बहुत ही एकदम से कम हो गया था, भाप निकल रही थी मुंह से। वाला जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से चलना है, और एक एंड पॉइंट आएगा बाइक वहाँ खड़ी करके, वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। भैया कितना होगा पैदल वहाँ से, वहाँ से पैदल ना, ठीक है। तो भाई एक चीज़ हम भूल के आ चुके हैं, पानी की बॉटल लेनी थी हमें, लेकिन आगे में भी वहाँ पे होगा स्टॉल वगैरह लगे होंगे, तो वहाँ से पानी की बॉटल लेना पड़ेगा, क्योंकि 3.5 किलोमीटर कुछ बता रहा है पैदल का, और भाई 3.5 किलोमीटर सीधा नहीं चलना है अपन को, चलना है पहाड़ पे, तो भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। और यहाँ से मैं मंदिर आपको शो करवा सकता हूँ, देखो वो सामने आपको कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, जो सामने पहाड़ है उसके जस्ट ऊपर ही है, और भाई रास्ता भी यहाँ से मेरे को प्रॉपर दिख रहा है कि कैसा कैसा मतलब यार पैदल में भी डर सा लगेगा देखना चल के वहाँ पे। तो चलते हैं अभी वहाँ पे, और मैं बताता हूँ कि क्या सीन होता है वहाँ जाके, अब होने वाला है असली एडवेंचर गाइस पैदल वो भी। तो गाइस बाइक पार्किंग में लगा तो दी है, लेकिन अब देखते हैं कैसा क्या है, और यहाँ से हमें पैदल जाना है। अगर पचमढ़ी आने के बाद अब चौरागढ़ नहीं आया ना, तो कहीं नहीं आई, बाद में आके बोलेगा तू मेरे को, देखना घाई भाई धाई धाई मुँह फिसल फिसल जा रही है पब्लिक का यहाँ पे गाइस। तो यहाँ से बाबा चलना है पैदल, और अभी तो सीढ़ी बन गई, जब मैं आया था जब सीढ़ी नहीं थी गाइस यहाँ पे, और भाई असली वजह तो अब आने वाला है, पैर तो चल ले, अभी तो मजा आ रहा है, नॉर्मल लग रहा है, अभी देखो चलना है इतनी काफी ज्यादा ऊपर भाई। तो ये है मेन जगह तो यही है गाइस, अभी देखो जरा, और अपने हाथ में ये मुकुट उकुट भी है, तो बहुत दिमाग खराब होने वाला है अभी इनको लेके। तो चलते हैं अभी नीचे। तो भाई यहाँ से है मेन एंट्रेंस अपना जाने के लिए, और 1400 सीढ़ी के अप्रोक्स से ऊपर जाने के लिए, और अभी नींबू पानी ब्रेक लिया, क्योंकि पानी वानी सब डिहाइड्रेट हो जाएंगे, कितनी ठंडी हो डिहाइड्रेशन तो पक्का है, और भाई अपने लिए नींबू पानी बना रहा है। तो बस यहाँ से चलना है वहाँ तक, और थोड़ा सा पानी पियेंगे हम भी, और फिर चलते हैं नींबू पानी पीने के बाद। पचमढ़ी की पचमढ़ी यही है। अरे भाई घंटे जाते ऊपर चढ़ने की,
तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, हालत खराब होने वाली है। तो गाइस अभी तो 3-4% ही आए हैं भाई, और हालत ऐसी हो रही है ना क्या ही बताएं, सांस फूलने लगी भाई बहुत। तो अभी चल रहे हैं धीरे धीरे, और फिर से सीढ़ियाँ आ गई यार। अभी तो फिर भी स्टेबल आ गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन कोई नहीं चलेंगे आज अपन। तो आगे मिलता हूँ गाइस आगे। सो गाइस यहाँ से आए हैं यार सामने से अभी, और वो पहाड़ पे जाना है। तो क्या तो भाई ट्रैक हो रहा है ना भाई, बहुत टाइम से मैंने ट्रैक भी नहीं किया कहीं पे, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और गाइस कितनी भी ठंड हो आपको पसीना आना कंपलसरी है यहाँ। तो ये देखो क्या तो व्यू है भाई, और वो सामने टेंपल दिख रहा है देखो वाइट वाइट यहाँ पे, तो वहाँ चलना है गाइस। और हद है यार, ओहो क्या तो ब्यूटी है यार नेचर, और क्या दिख रहा ना मस्त पहाड़ देखो सामने। और अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा यार क्रॉस, वहां पे जाना है अभी, तो चलते हैं आगे। हालत तो मजा आ रहा है भाई। तो गाइस व्यू देखो यार, व्यू क्या ही दिखाऊं मैं भाई, सब जगह यही यही है, और जो आंखों से दिख रहा भाई वो कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पाया यार। तो भाई जब ऐसा पाथवे टाइप में आ रहा तभी मैं आपको बात कर सकता हूँ, तो सीढ़ी पे तो भाई सांस लेने का टाइम नहीं है ऐसा है, वो ठंडी के टाइम तो कहीं सांस फूलती है। और सबसे बड़ी समस्या पानी, तो पानी में बीच बीच में रास्ते में भाई लोगों ने शॉप लगा के रखी है, तो पानी तो नहीं नींबू पानी बेच रहे हैं वो भाई। फिर कोई नहीं कुछ तो हुआ, फिर से देखो भाई ने फोन गिरा दिया नीचे। अरे भाई ये दुख काहे खत्म नहीं होता, ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। तो ये दुख हो रहा है, और इधर देखो भाई कुछ दिख नहीं रहा, जमीन अमीन है कि नहीं इधर वहाँ पे। फिर से सीढ़ी दो गाइस, मैं मिलता हूँ अभी स्टेबल जगह पे। तो भाई साहब राइट हैंड पे देखो यार क्या ही दिख रहा है, क्या तो व्यू है यार बहुत ही खतरनाक। देखो भाई पीछे भाई साहब यही रास्ते हैं अच्छे अच्छे, और भाई तुम खाई भाई देख लो यार। नीचे जाओगे ना तो ऊपर आओगे वापस, यू नो व्हाट आई मीन, ऊपर सुपर हो जाओगे गाइस। इधर देखो यार खाई आई देखना आता, देख लो भैया आंख से वो पहाड़े। अगली बार भाई थोड़ा पैसा ही से इंक्लूड, सॉरी थोड़ा पैसा ही से डालो यार, तो ड्रोन शॉट भी दिखाऊंगा मैं आपको, और यहाँ ड्रोन चल जाता ना मजा आ जाता भाई। और बचा कुचा काम हमारा सूर्य देवता, हमारे सूर्य देवता कर दे रहे हैं हमारे लिए। और इधर तो बड्डे क्या ही कोहरा मचा, उधर पहाड़ तक नहीं विजिबल हो रहे हैं ठीक से। तो अभी चल रहे हैं यार धीरे धीरे भैया। अभी मंदिर देखो कहाँ दिख रहा है यार गाइस, ऊपर कितना ट्रैक करना भाई साहब, और अभी देखो नीचे यार क्या ही है यार ये तो सब। अभी तो भाई आधा ही आए हैं लगभग मेरे को लगता है, तो वहाँ से क्या ही मस्त दिखने वाला व्यू। चलो वहाँ चलते हैं। तो भाई एक और ड्रिंक ब्रेक लिया है, और सामने देखो भाई ऐसे रास्ते से जाना है, और इधर तो भाई मत ही बात करो बहुत ही सब जबर है, और अगर बंदर ने फोन ले गया तो बंदर पानी बनाया भाई। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं चलते गाइस। तो भाई जमीन अमीन का तो अता पता नहीं, आसमान में ज़रूर आ गए हैं, और भाई साहब जो ऊपर जाने के बाद क्या ही दिखने वाला है भाई, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड है भाई, और धुआं 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 धुआं। तो मे भी थोड़ा सा और बचा होगा तो वो रिकवर करते हैं, और ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको पूरा व्यू।
और कितना ही शूट कर लो भाई, मन नहीं हरा रहा यार, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा भाई, इतना सेटिस्फाइड है ये कि बैठ के बस देखते रहो। और यहाँ से आए थे भाई। सो गाइस, भगवान के पास ही पहुँचने वाले हैं बस सामने, और इधर तो स्वर्ग नरक, इधर नीचे जाना पड़ेगा, भगवान से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो चॉइस इज योर्स गाइस। और भाई साहब ऐसे लग रहा है टीले पत्थर दिख रहे हैं ये पत्थर। इधर तो देख ही नहीं पाओगे, रेत तो ऊपर से दिखाऊंगा मैं। तो फाइनली गाइस आखिरकार ट्रैक कंप्लीट और पहुंच गए भाई, 3-4 ब्रेक के बाद। ऑलमोस्ट हमें 1.5 घंटे लगे आने में ऊपर, 3-4 ब्रेक लिए आ गए आराम से, 2-3 नींबू पानी पिया बस। और देखो फेंसिंग भी देखो भाई, त्रिशूल से यहाँ पे, और पीछे तो भाई क्या ही बोलूँ, क्या ही पहाड़ है भाई। अभी थोड़ा सा और बचा है तो आगे चलते हैं। तो फिर से थोड़ी सी सीढ़ियाँ आ गई गाइस, और बस सामने अपने बहुत प्यारा मंदिर दिखाता हूँ आपको। सामने भाई त्रिशूल का भंडार है भाई, ये जिन लोगों की मान्यता रहती है वो लोग त्रिशूल वगैरह लेके आते हैं ऊपर, और देखो क्या तो त्रिशूल रखे हैं। तो गाइस अंदर चलते हैं मंदिर में, आपको शो कराता हूँ। और चौड़ेश्वर महादेव यहाँ से अंदर चल के, वो त्रिशूल में आपको बाहर परिक्रमा लगाते टाइम दिखाऊंगा गाइस। फोन तो बंद करवा दिया था लेकिन फुटेज हमारे पे गोप्रो में रिकॉर्ड हो चुकी है भाई। ये त्रिशूल में बताने वाला था ना आपको, ये देखो गाइस 500 सब्सक्राइबर लगेंगे क्या तो है भाई, ऐसा कुछ है यार। हाँ क्या ही त्रिशूल लगे यार भाई। बस गाइस थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करते हैं और फिर चलते हैं। बैठो भाई थोड़ी देर। भाई यहाँ से हो गया अपना डन और अभी चलते हैं वापस नीचे। तो अब भाई कुछ शूट करने के लिए मिलेगा तो मैं शूट करूँगा, नहीं तो मिलते हैं सीधे बाइक के पास। ओके गाइस 2 hours later। तो गाइस चौरागढ़ से अभी जस्ट नीचे उतरे हैं अपन, और अभी बीफॉल का पता किया तो बीफॉल बोल रहे हैं कि यार इतने बजे तक तो बंद हो जाता है वो, और हमें पता नहीं था ऐसा कुछ। बीफॉल क्या है, बस झरना है एक वहाँ पे, मतलब लोग नहाने वहाने जाते हैं ये जो भी है, और बढ़िया जगह है वो भी। आई एम सो सॉरी कि वीफॉल में दिखा नहीं पाया आपको इस वीडियो में, क्योंकि हमें आज ही वापस घर जाना है। तो चलते हैं अभी आगे और पता करते हैं कैसा क्या है। और शाम को 4:30 भी बज ही चुके हैं, तो इस कारण से कि शाम को टिकट वगैरह मिलना बंद हो जाती है वहाँ पे, तो इसलिए गाइस ये जितनी जगह मैं लेके गया था आपको यहाँ टिकट नहीं लगती है, वीफॉल में टिकट लगती है। और अब जिप्सी से जाते हो बाइक एंटर करना मना है वहाँ पे, फिर भी हम पैदल चले जाते क्योंकि भाई सबसे मेन जो पॉइंट है भाई जो पैदल मैंने किया है कवर अभी चौरागढ़, भाई वही सबसे मेन और सबसे बेस्ट जगह यही है। लेकिन वहाँ पे लोग जाने से डरते हैं क्योंकि भाई 4-5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो कौन कैसे करा है हमने ही जाना है। मतलब आदमी को क्या देखने से ईजी लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा टफ है गाइज। सीधा तो आप चल सकते हो 3-4 किलोमीटर लेकिन हाइट पर जाना इतना ईजी नहीं होता है। तो गाइस अभी जाते हैं रूम पे और पूरा पैकिंग वैकिंग करते हैं क्योंकि ठंडी बढ़ गई है, और चलते हैं रूम पे। और भाई चेकआउट तो ऑलरेडी अपन कर चुके लेकिन भाई पहचान के तो सामान वगैरह रख दिया था वहाँ पे, तो अभी चेंज वगैरह करते हैं, जीन्स वीन्स मतलब जैकेट वगैरह पहनते हैं और निकलते हैं यहाँ से गाइस। और थोड़ा बहुत खाने का रहेगा तो थोड़ा बहुत खा लेंगे, वैसे भूख तो नहीं है, और चलेंगे सीधे घर पे। तो मिलता हूँ मैं सीधे आपको रूम के पास। ओके गाइस, तो गाइस अब भी जस्ट आए हैं चेंज करने और अलग रूम में आए चेंज करने, तो जल्दी से अपन चेंज करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बस फाइनली अपन ने कपड़े पहन लिए हैं और जैकेट वैकेट सब तैयार, बस अब बैग को लोड करना अपनी बाइक पे। तो मिलते हैं अभी बाइक के पास। सो गाइस अपना हो गई है पैकिंग, लोड हो गई है बाइक में, दोनों भाई ने बैग पैक कर लिए हैं और यहाँ से निकलते हैं। और मेरी बाइक में थोड़ा सा फ्यूलिंग कम है तो अपन मतलब यहाँ तो नहीं देख लेते हैं पहले फ्यूल का, वैसे तो अभी ब्लिंक कर रहा है लेकिन ज़्यादा ही है फ्यूल, इतना कम नहीं है, तो लगेगा रास्ते में तो डलवा लेंगे वहाँ पे। और भैया थैंक यू सो मच भैया, बहुत मदद की भैया ने,
भैया भैया वीडियो में आओगे आप। तो गाइस पचमढ़ी को बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। वैसे खाना वाना हमें कुछ इतना कोई भूख भूख कुछ नहीं लग रही है, तो यहाँ से हम निकलते हैं सीधे पचमढ़ी से बाहर। और बहुत अच्छा रहा था भाई सफ़र, ये एक दिन मतलब कल का दिन और आज का दिन बहुत अच्छा था एक्सप्लोर करने के लिए। जितना बाइक से हमने कवर किया बहुत अच्छा लगा भाई। और थैंक यू सो मच भाई जितने लोग थे यहाँ पे सपोर्ट करा, जिन्होंने होटल भी भाई अच्छे से हमें ट्रीट भी हमें अच्छे से किया होटल में भी, तो कोई कहीं दिक्कत नहीं आई। तो थैंक यू सो मच सानू भैया को भी बहुत बहुत शुक्रिया, सानू भैया ने फ़ोन लगाया और ऐसा। और सोनू भैया यहाँ पे थे मैनेजर चुनमुन होटल जिसमें हम रुके थे, तो बहुत अच्छी सर्विस थी गाइस। थैंक यू सो मच भैया लोग, अगर आप मेरे को देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी निकल रहे हैं भाई, पचमढ़ी छोड़ रहे हैं हम। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी यहाँ से निकल रहे हैं गाइस घर की ओर, तो ऐसा तो कुछ बाकी बचा नहीं है बताने लायक, फिर भी देख लो गाइस जाते जाते ऐसा कुछ था। और बहुत सी जगह हमने ड्रॉप की है, वैसे वहाँ पे कुछ नहीं था गाइस जिधर मैं गया था, मतलब हम दोनों गए थे वहाँ पे जिसको हम चौरागढ़ बोलते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब यहाँ का सबसे मेन वही है। लेकिन वहाँ पे लोग जाना प्रेफर नहीं करते क्योंकि भाई ट्रैकिंग है, इसलिए जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका था, तो ऐसा कुछ है। और बाकी तो सब बीफॉल वगैरह क्या झरना वगैरह ही था, और गाइस टिकट के कारण मैं जा नहीं पाया। तो खैर कभी नेक्स्ट टाइम आना होगा तो बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको। तो ऐसा कुछ था आज का पचमढ़ी का वीडियो। और अभी निकल रहे हैं घर की तरफ, तो वैसे तो कुछ बताने के लिए है नहीं, तो बाहर ही मिलता हूँ गाइस आपको। तब तक के लिए आप देखते रहें स्टे ट्यून्ड यहाँ पे पहाड़ पे देखो। तो बाय बाय पचमढ़ी, तो निकलते हैं गाइस पचमढ़ी से बाहर। भाई साहब झीलें देख लो गाइस, झीलें यहाँ के शॉर्ट बनने वाली ना गाइस मस्त एकदम, बस शूट हो जाए ना वैसा जैसा मैं सोच रहा हूँ मस्त बनेंगी गाइस मस्त। खैर इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम रील बनाए या शॉर्ट बनाए, बिकॉज अंधेरे से पहले हम सोच रहे हैं कि ये सब ऐसे मतलब निकल जाए हम लोग। तो गाइस आ चुके हैं हम मेन रोड पर, और फुटेज बहुत प्यारी दिख रही होगी गाइस आप लोगों को। तो देखो शाम ही हो गई, रात ही हो गई गाइस, तो यहाँ से जल्दी निकलना था इसलिए हो गई है गाइस। तो अभी कुछ दिखाने के लिए है नहीं आपको और कहीं रुकना भी नहीं है हमें, तो गाइस मैं घर जाके ही आपको ब्लॉग एंड करूँगा। तो मिलता हूँ घर के पास, और यहाँ तो कुछ अभी रात में दिखाने लायक है नहीं, अगर इफ़ कुछ दिखाने लायक हुआ तो मैं दिखाऊँगा, नहीं तो भाई घर पर जाके अपन बढ़िया से ब्लॉग एंड करेंगे। थोड़ी सी और बातें वो और सुन लीजिएगा, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे गाइस। ओके गाइस शहर में एंटर कर चुके हैं अपन अपने नर्मदापुरम में, और कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे। और गाइस अभी फ्यूल काफ़ी टाइम से ब्लिंक कर रहा है, लेकिन यार मानना पड़ेगा बाइक को ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एवरेज हो गया है यार। फुल अभी फुल टैंक में टोटल अभी ट्रिप वन में 502 मतलब 502 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी मैंने टैंक में देखा था काफ़ी ज़्यादा फ्यूल है यार, मतलब एवरेज तो ज़्यादा ही दे रही है यार, मतलब काफ़ी सही एवरेज निकाला यार इसने लंबे में। तो अभी करवाते हैं फ्यूल और घर चल के बताते हैं बात, बाकी बात घर चल के करेंगे। फुल कर देना भैया। A few inches later. So guys, आ गए हम कॉलोनी के बाहर, मतलब घर के पास पहुंचने वाला हूं, और ये ब्लॉग अपन यही एंड करेंगे। तो गाइज ऐसा था कि ये ट्रिप पातालकोट और पचमढ़ी की होने वाली थी, लेकिन पातालकोट हम जा नहीं पाए क्योंकि वैसे वहां पे कुछ था नहीं। पचमढ़ी में जो देखा उससे तो वैसे ही था लगभग, लेकिन हमने सोचा कि पचमढ़ी एक दिन स्टे कर लेते, मतलब तो अच्छा रहा कि पचमढ़ी में जितना घूमना था अपना घूम लिया और बढ़िया रहे दोनों दिन, तो इसलिए हम मतलब पातालकोट नहीं गए। और ऐसा था भाई ब्लॉग, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करें कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसे प्यार में साथ रहें, ऐसे सपोर्ट करें अपने भाई को, थोड़े से और सपोर्ट की ज़रूरत है। और आ गए अपन घर, तो सब कुछ काम हो गया डन, और बस ऐसे कुछ था ब्लॉग। तो जल्दी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बॉय सायोनारा, गुड नाइट।